जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से जारी है। शनिवार को जिला अस्पताल सहित 65 बूथों पर 45 साल के ऊपर के नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिले में 65 बूथों पर कोविड का टीकाकरण किया गया है। सीएमओ ने बताया कि 40 प्राइवेट हॉस्पिटल में भी शुल्क लेकर टीकाकरण किया जा रहा है। सीएमओ ने कहा कि ओपीडी में मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला अस्पताल की ओपीडी बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के नंबर को जारी कर दिया गया है, किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ने पर उनसे संपर्क करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, पैंतालीस पचास ग्यारह हमारे आज के जनपद 65 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। हमारे जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। साथ साथ हमारे करीब 40 प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हमारे सीएससी पीएससी पे भी वैक्सीनेशन चल रहा है। जी एज की लिमिट है 45 साल के ऊपर का ही लगना है। अभी तक शासनादेश यही है कि 45 साल के ऊपर का ही लोगों का वैक्सीनेशन होना है, और जब पूरा हम 45 साल के ऊपर का कर लेंगे इसके बाद ही शासनादेश आएगा, तो इसके बाद हम नीचे कर लेंगे। मुझे अपील करनी है कि पब्लिक बिल्कुल जागरूक हो जाए। कोरोना का संक्रमण काफ़ी फैल चुका है और लोग मास्क लगाएं, पब्लिक में इधर उधर ना घूमें, और अस्पतालों में भी ओपीडी सेवाएं बंद हो गई हैं, तो हमारे सारे अस्पताल के जितने भी स्पेशलिस्ट हैं वो सभी लोगों का मोबाइल नंबर स्पेशलाइजेशन के साथ में हम अखबारों में दे रहे हैं, मीडिया में दे रहे हैं। अपने घर पर ही बैठ करके लोग इनसे फ़ोन से कंसल्ट करें और इलाज कराएं।